हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हम बात कर रहे हैं मियोसिस डिवीजन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ओके, जो मियोसिस है, मियोसिस टर्म वॉज गिवन बाय फार्मर एंड म्यूरे ने ये टर्म दी 1905 में। ओके, हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बात करी थी माइटोसिस के बारे में। ये हमारा है मियोसिस। जो मियोसिस है, इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड इन न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, बिकॉज number of chromosomes are reduced into newly formed daughter cells में जो number है chromosome का वो half हो जाता है। okay, mostly occurs in gametic cells और germ cells। By the process of meiosis, formation of gametes occur। gametes का formation meiosis की help से ही होता है। Okay, जो meiosis है ये भी दो तरीके से होता है, meiosis one and meiosis second। Meiosis 1 and Meiosis 2। ओके, जो Meiosis 1 है इसी को हम मेनली कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। जबकि जो Meiosis 2 है ये कैसा है, इक्वेशनल डिवीजन। Meiosis 1 में एक डिप्लॉयड सेल से 2n = 46 दो हैप्लॉयड सेल बनते हैं। यानी कि डिप्लॉयड से क्या हो रहा है यहां पे, हैप्लॉयड। जबकि इस केस में क्या होगा, मियोसिस सेकंड के केस में ये जो दो हैप्लॉयड सेल्स हैं 23 23, ये आगे चलकर जो दो सेल बनाएंगे तो टोटल ये हो जाएंगे 4। कितने सेल्स हो जाएंगे यहां पे, 4। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर जो माइटोसिस है और मियोसिस सेकंड है क्या वो सेम है? हम उसको भी इक्वेशनल डिवीजन कह रहे थे। यहां पे इक्वेशनल डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, माइटोसिस में एक सिंगल सेल से दो सेल बन रहे थे, जबकि मियोसिस सेकंड के केस में दो सेल। और ये दो सेल कहां से आए हैं, मियोसिस फर्स्ट के ये जो दो सेल है, इन दो सेल से आगे चलकर चार सेल बन रहे हैं। ओके, तो ये स्टेजेस हैं जो हमारी मियोसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इन सभी डायग्राम्स की हेल्प से हम मियोसिस को स्टडी आउट करेंगे। ओके, तो अभी तक हमें समझ में क्या आया मियोसिस से, कि जो मियोसिस है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाएगा, और ये हेल्प करता है किस चीज में, इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की फॉर्मेशन में। ओके, दो स्टेजेस में हो रहा है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। ओके, वन बाय वन हम बात करेंगे। फर्स्ट मियोसिस वन, जो मियोसिस वन है इसमें जो स्टेजेस हैं कौन कौन से, फर्स्ट प्रोफेज वन, प्रोफेज वन में फिर पांच सब स्टेजेस हैं, लैप्टोटीन, जायगोटीन, 5 सब स्टेजेस मेंशन कर देते हैं यहां पे, 5 सब स्टेजेस है, और ये लॉन्गेस्ट फेज। 5 फेज कौन से हैं, पहला लैप्टोटीन, सेकंड जायगोटीन, 3rd पैचीटीन, 4th डिप्लोटीन, 5th डायकाइनेसिस। ओके, मियोसिस वन के प्रोफेज वन के 5 स्टेजेस हैं, 5 सब स्टेजेस हैं। ओके, सेकंड आएगा फिर हमारा
मेटाफेज वन, मेटाफेज वन, देन थर्ड एनाफेज वन, एनाफेज वन, फोर्थ टेलोफेज वन, फोर्थ आएगा टेलोफेज वन। फिर टेलोफेज वन के बाद यहां इसके बाद दो सेल बनेंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें फिर फर्स्ट स्टेज जो होगी प्रोफेज सेकंड। इसके सब स्टेजेस नहीं है, जैसे प्रोफेज वन के थे इसके सब स्टेजेस नहीं है। ओके, सेकंड मेटाफेज सेकंड, थर्ड एनाफेज सेकंड, एंड फोर्थ टेलोफेज सेकंड। ओके, और इसके बाद क्या आएगा फिर हमारा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ये हमारे स्टेजेस किसमें इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है कैरियोकाइनेसिस। किस चीज में इन्वॉल्व है ये, कैरियोकाइनेसिस। ओके, यहां पर मियोसिस वन के टेलोफेज वन और मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड के बीच में जो टाइम है इस स्टेज को कहते हैं हम इंटरकाइनेसिस। इस फेज को हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। ओके, सो वन बाय वन हम इन सभी स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उनमें चेंजेस आते हैं उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज प्रोफेज फर्स्ट का, जो हमारा फर्स्ट फेज है दैट इज लैप्टोटीन, जो फर्स्ट फेज है दैट इज लैप्टोटीन। लैप्टोटीन के केस में जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर बीडेड लॉन्ग क्रोमोसोम्स, बीडेड लॉन्ग क्रोमोसोम्स। ओके, यहां पर क्या रहता है, साथ में न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, सो दे फॉर्म क्रोमोमियर्स, न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट फॉर्म्स क्रोमोमियर्स। यहां पर एक चीज और आती है हमारी अटैचमेंट प्लेट, अटैचमेंट प्लेट, जो न्यूक्लियस है दैट एनलार्जेस, न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियस बढ़ जाता है साइज में। ओके, बट जो एंड्स हैं, ये जो एंड्स हैं ये जुड़े हुए रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, बट एंड्स रिमेन अटैच विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट प्लेट, उसे हम क्या कहेंगे, अटैचमेंट प्लेट कहेंगे। ओके, किस तरीके की अरेंजमेंट है, बुकेट, बुकेट, बुकेट अरेंजमेंट, बुकेट अरेंजमेंट। ओके, यहां पर आप इधर देख सकते हैं, है ना, यहां पे ये रेड कलर का है, एक ये ब्लू, एक रेड एक ब्लू, इस तरीके से। तो यहां पर ये क्या है, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, टू टाइप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, एक सेट, वन सेट ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम जो फादर से आया है, और दूसरा सेकंड सेट जो है क्रोमोसोम का वो है मैटर्नल क्रोमोसोम, मैटर्नल क्रोमोसोम जो कहां से आया है, मदर से आया है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सेकंड फेज में क्या होगा, जायगोटीन के केस में जो सेकंड है दैट फेज इज जायगोटीन, सेकंड फेज इज जायगोटीन। जायगोटीन के केस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में जुड़ेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स
अटैच विद ईच अदर, किसकी वजह से? ड्यू टू द न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ड्यू टू द न्यूक्लियो प्रोटीन्स। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? सैनेप्सिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज सैनेप्सिस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैनेप्सिस। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सैनेप्सिस कहेंगे। और हो क्या रहा है सैनेप्सिस में? अटैचमेंट हो रहा है किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, leads to formation of सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्या बन रहा है इसकी वजह से? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ओके, और सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है? तीन ट्राई एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट होंगे, एक ही सेंटर में इस तरीके से, दो ये लेटरल, दो ये कैसे होंगे? लेटरल एलिमेंट्स। ये हो गया सेंट्रल एलिमेंट और ये दो हो गए लेटरल एलिमेंट्स। ओके, ये है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ओके, और ये इस तरीके से अटैच होंगे एक दूसरे के साथ। यहां बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? क्रोमेटिड्स। क्या प्रेजेंट होंगे इस तरफ बाहर की तरफ? क्रोमेटिड्स। ओके, तो जो अपियरेंस आएगी दैट विल बी सीम्स टू बी लाइक एज बाइवैलेंट। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ेंगे तो किस तरीके के दिखाई देंगे हमें? बाइवैलेंट फॉर्म। किस तरीके के दिखाई देंगे? वो बाइवैलेंट फॉर्म। ओके, थर्ड हमारा आता है इसमें पैचिटिन। इनको रब करते थे साथ के साथ। जो थर्ड फेज है दैट इज पैचिटिन, और जो पैचिटिन है इट इज लॉन्गेस्ट फेज। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो पैचिटिन है दैट इज लॉन्गेस्ट फेज। और इसमें क्या होता है? अभी मैंने डायग्राम में शो किया था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अपियरेंस होती है किसकी? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की। ओके, एक्सचेंज होगा सेगमेंट्स का किसके बीच में? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं यहां पे? एंजाइम्स एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, अनवाइंडेज और आर प्रोटीन, जो हेल्प करते हैं इसमें री एनिलिंग में। ओके, तो पैचिटिन में हो क्या रहा है? मेनली क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है। हो क्या रहा है वहां पे? जैसे ये हम मान लेते हैं फर्स्ट वन ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ओके,
अब हो क्या रहा है, एक पार्ट कट के, यानी कि लाइक दिस, ये वाला जो पार्ट था ये कंबाइन करेगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ओके। Like this. और लास्ट में जो हमारे पास सेकेंड थर्ड स्टेप में जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी वो किस तरीके से होगी, वो कुछ इस तरीके से होगा। Like this. Okay? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, पेरेंटल है, जबकि ये कैसा हो गया, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, तो इसकी वजह से क्या ही वेरिएशंस आए, क्या इसकी वजह से वेरिएशंस। इसीलिए जो मियोसिस है वो इन्वॉल्व रहता है गैमेटोजेनेसिस में, और गैमेटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसकी वजह से मेन वेरिएशंस आती हैं। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारा इसमें स्टेज, दैट इज डिप्लोटीन, फोर्थ स्टेज इज ऑफ डिप्लोटीन। Fourth phase is diplotin. और diplotin के केस में होता है क्या, appearance of chiasmata. Chiasmatic appearance, यानी कि ये जो है, ये देखिए आप कि ये जो रेड वाला सेगमेंट था ये इसका पार्ट बन गया, और इसका जो ब्लू वाला सेगमेंट था वो इसका पार्ट हो गया, यानी यहां पे हुआ क्या है, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ओके, साथ के साथ अब क्या होगा इसमें, ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहेंगे, काइस्मेटा कहेंगे। ओके, अब ये जो इनको हम बाइवेलेंट्स भी कह सकते हैं, जो बाइवेलेंट्स हैं, बाइवेलेंट्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, क्रॉसिंग ओवर जहां पे स्ट्रांगली हो रहा है उस पार्ट को हम कह रहे हैं काइस्मेटा। क्रॉसिंग ओवर अपीयर स्ट्रांगली, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हमें स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके, वर्टिब्रेट्स के ऊ साइट में जो डिप्लोटीन स्टेज है वो कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक भी हो सकती है। ओके, फिफ्थ फेज आता है इसमें डायकाइनेसिस के केस में क्या होगा, टर्मिनेशन हम कह देते हैं सिंपली। ओके, जो काइस्मेटा है, काइस्मेटा शिफ्ट टुवर्ड्स क्रोमोसोम्स की तरफ शिफ्ट करता है, साथ के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है कंप्लीटली, जबकि डिप्लोटीन स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट करती है। ओके, और साथ के साथ जो न्यूक्लियोलस डीजनरेट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जो फेज आएगा हमारा, दैट इज मेटाफेज वन। इसके बाद जो फेज है हमारा कौन सा है, वो मेटाफेज वन है। और मेटाफेज वन के केस में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, आगे की जो स्टेप्स हैं वो हमारे सिमिलर हैं किसके, माइटोसिस के रिगार्डिंग। ओके, तो मेटाफेज वन में क्या हो रहा है, जो ये क्रोमोसोम्स हैं एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल का, ये क्या होंगे, अरेंज एट द इक्वेटर। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अरेंज एट द इक्वेटर। और बताया भी था कि जो मेटाफेज है दैट इज द बेस्ट फेज टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, फिर एनाफेज आएगा थर्ड, इसमें एनाफेज फर्स्ट,
एनाफेज फर्स्ट, और एनाफेज फर्स्ट में होता क्या है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होने लगेंगे, अलग अलग होने लगेंगे, और ये जो सेपरेशन है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, कॉल्ड डिसजंक्शन, इसे हम कहेंगे डिसजंक्शन। और जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स हैं, सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, उन्हें हम कहते हैं डायड। क्या कहते हैं उन्हें हम, डायड कहते हैं। ओके, फिर टेलोफेज में क्या होगा, पोल्स पे पहुंच जाएंगे, देन क्या होगा यहां पे, साइटोप्लाज्म अलग होने लगेगा, और फाइनली दो डॉटर सेल बनेंगे। क्या बनेंगे, दो डॉटर सेल। अब यहां पे ध्यान दें आप, यहां पे जो फर्स्ट था लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन में जब सेल था यानी कि प्रोफेज फर्स्ट के पार्ट में, तो वो कैसा था, दैट वॉज डिप्लॉयड। कैसा था वो, डिप्लॉयड। और जब यहां पे टू डॉटर सेल्स बने हैं आफ्टर टेलोफेज फर्स्ट, टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल्स, तो ये कैसे हैं, ये कैसे होंगे हमारे, हैप्लॉयड एन, यानी कि कैसे थे डिप्लॉयड टू एन, और ये कैसे होंगे हैप्लॉयड यानी कि एन। ओके, देन सेकंड मियोसिस, सेकंड आएगा हमारा वही प्रोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड का फर्स्ट फेज, प्रोफेज सेकंड। फिर जो ये क्रोमोसोम्स हैं, अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो फर्स्ट सेल है इससे आगे हमारा ये बढ़ रहा है, सेम इसी तरीके से इससे आगे और बढ़ेंगे, तो ये इसका फॉरवर्ड है, ये हमने ड्रॉ नहीं किया है, तो इसका भी इसी तरीके से होगा, और लास्ट में फाइनली इस एक से दो सेल बने, एक सेल और एक दूसरा सेल, ओके हैप्लॉयड, और इससे भी आगे चल के इसी तरीके से हैप्लॉयड बनेंगे। ओके, तो फाइनली ये इस एक सेल से वन सेल, लास्ट में कितने हमारे पास, फोर हैप्लॉयड सेल्स आते हैं, फोर हैप्लॉयड सेल्स। ओके, तो प्रोफेज सेकंड में वही सारे प्रोसेस होंगे, सेकंड मेटाफेज में ये फिर ये अरेंज हो जाएगा इक्वेटर पे, एनाफेज में अलग अलग मूव करेंगे पोल्स की तरफ, टेलोफेज में पोल्स पे जाएंगे, फिर वही होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी, जो क्रोमोसोम्स हैं दे रिफॉर्म्स, दे चेंजेस इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंज हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास कितने सेल बने हैं, इधर एक से ये दो सेल बने हैं, लेकिन इन दोनों से हमारे टोटली कितने सेल बनेंगे, फाइनली फोर हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे। कितने बनेंगे, फाइनली फोर हैप्लॉयड सेल्स। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसमें सेकेंड आता है हमारा साइटोकाइनेसिस, जो सेकेंड है दैट इज साइटोकाइनेसिस, और इसमें हम टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के कितने टाइप्स है, मेनली दो टाइप है। ओके, फर्स्ट इज सक्सेसिव, फर्स्ट इज सक्सेसिव, सेकेंड इज साइमल्टेनियस। सक्सेसिव मीन्स साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर वन डिवीजन, जैसे ही जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा उसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। जबकि साइमल्टेनियस के केस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर टू डिवीजन, टू डिवीजन, यानी कि वहां पे एक सेल में पहले एक से दो न्यूक्लियस बने, उन दो से फिर चार न्यूक्लियस बने, फिर वो जो चारों न्यूक्लियस हैं हम बना लेते हैं इधर, देख लेते हैं, एक सेल इसमें एक से दो न्यूक्लियस बने, फिर दो से जब इसमें चार बन गए, एक दो तीन चार, अब फाइनली क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और यहां पे कितने सेल बनेंगे, चार सेल बनेंगे इस तरीके से। ओके, और अगर ये साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो ये जो स्टेज है जिसमें क्या है मल्टीपल, मल्टीपल न्यूक्लियाई, तो इसको कहते हैं सिंसिटियम, सिंसिटिनम या कोइनोसाइट, कोइनोसाइटिक स्टेज। ओके, फिर इसमें आता है जो मियोसिस है, टाइप्स ऑफ मियोसिस, मियोसिस के कितने टाइप है,
टाइप्स ऑफ मियोसिस। तीन मेन टाइप है, फर्स्ट इज गैमेटिक मियोसिस जो सभी एनिमल्स में होता है, हेल्प इन गैमेट फॉर्मेशन, और इसे और क्या कहते हैं, डिप्लॉयड मियोसिस, यानी कि 2n से कितने सेल बनेंगे, n, इस तरीके से। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी आपने पढ़ा होगा, ओके, तो इसे हमने कहा डिप्लॉयड मियोसिस। सेकंड होता है जायगोटिक मियोसिस, यानी कि जो जायगोट में हो रहा है, ओके, तो इसे हम हैप्लॉयड मियोसिस भी कहते हैं, यानी कि एन से जो दो नए सेल बनेंगे वो एन ही बनेंगे। तीसरा स्पोरिक मियोसिस जो होता है प्लांट्स के केस में, और इसमें दोनों फेज होते हैं, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक मियोसिस भी कहा जाता है। क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? फर्स्ट, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेकंड, नंबर इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। थर्ड, वही हमारा आ जाता है हीलिंग में, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कराने में, वेरिएशंस लाने में। तो ये चार पांच ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें मियोसिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। फर्स्ट, गैमेट फॉर्मेशन। सेकेंड, ब्रिंग्स वेरिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ओके, सेल ग्रोथ। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंसेस हैं मियोसिस के, ओके, थैंक यू।